हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं अभी मार्केट जाने वाली हूँ। सेंट्रल बैंक में थोड़ा सा काम है, मैं दीदी ने बहुत दिन से काम लगा कर रखे हुए थे, सो मैं भूल गई हूँ। मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। सो गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ वो लेने के लिए, वो काम करने, यानी कि मेरा दीदी का ATM आया है कि नहीं है वो चेक करनी है। और गाइस, मैंने एक बैग सिलाने दिया था और एक साइबर में मैं हेलमेट भूल गई थी, सो वो सब लेकर आ जाऊंगी आज। अपना सामान भूलना बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, क्या करेगा। अभी कुछ दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, अभी फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा दवाई खा के ऐसा हो रहा है। तो गाइस, अभी 7-8 अगस्त ऐसे में फिर मैं चेकअप के लिए जाऊंगी वहाँ पे पसीघाट। एंड गाइस, तो आप लोग बने रहिए। सो गाइस, आज का टाइम हो चुके हैं 11:12 एंड आज का मौसम भी एकदम टकाटक, एकदम बढ़िया है आज का मौसम। गाइस, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आज का मौसम। लुक एट, तो सुंदर है, देखिए नज़ारा एकदम ब्यूटीफुल। वाओ गाइस, इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। एंड अभी मैं ताला सारा लॉक कर लेती हूँ, कीड़ा हो गया ये देखिए, इस लोग ने पूरा ख़त्म करके रख दिया कीड़ा। मुझे मनुष भैया ने कैमरा होल्ड करने सिखाया है, तो मैं अभी थोड़ा अच्छा सा वीडियो कर पा रही हूँ गाइस। तो अभी देखिए ना, हम ऐसे कर सकते हैं एंड ऐसे ना अच्छा से, पर भी हम इतना खास अच्छा से होल्ड नहीं कर पा रहे गाइस। अभी दरवाजा भी बंद कर देते हैं, दरवाजा खुला करके जाएंगे तो कहाँ होगा ना। ये है मेरा दवाई, अभी कितना, ओनली 5 डेज का बच्चा है गाइस, ओनली 5 डेज। आई एम हैप्पी, पर पता नहीं क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो मुझे मालूम नहीं है। एंड काफ़ी हुआ है पर क्या मालूम ना हो रहा है नहीं हो रहा है। बस अभी मैं रेडी कर लेती हूँ, मतलब रेडी तो हो गया, ऐसे फॉर्मल जो अपन पहनता है वही पहन के जाती हूँ मैं हमेशा इस तरह से। है दोस्तों, तो अभी निकलते हैं गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ सेंट्रल बैंक एंड मैं बसंती जो यहाँ पे है छैया में रख के थक जाते हैं। कुछ दिन बाद ये भी मुझे छोड़ के जाएंगे क्योंकि मैं अपने रेंज चले जाऊँगी, तो ये पकड़ने नहीं मिलेगा, बीच बीच में मिलेगा। एंड गाइस, मैंने मास्क पहन लिया और चश्मा भी पहना हुआ है, डर लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी इस तरह का रास्ता पर मैं चल रही हूँ, रास्ता जो है थोड़ा सा डरावना है। एंड ये हूँ मैं, तो गाइस देखते रहिए क्या होता है, देखते हैं आगे जाके। एंड सामान लेके आते हैं, उसके बाद से बाहर नहीं निकलूँगी, बहुत डर लग रहा है, तेजी में बहुत वायरस आ गया, अभी एक डिजीज आ रहा है आई का। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मैं अभी बाज़ार पहुँच चुकी हूँ, उसके बाद यहाँ टेलर में पहले घुसी हूँ, सेंट्रल बैंक अभी जाऊँगी। अभी सबसे पहले मैं टेलर से हमारा बैग ले जाऊँगी। सो गाइस, मैं अभी पहुँच गई हूँ सेंट्रल बैंक एंड अभी मैं दिक्कत से ये पासबुक को निकल लेती हूँ, इसका बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो गाइस, तो इसको मैं ले जाती हूँ ऊपर एंड देखे ऊपर एंड ये रहा ऊपर। सो गाइस, ऊपर में है, चलते हैं, इस तरह का सीढ़ी है, सीढ़ी से जाना पड़ता है हम लोग का। गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ हूँ, गर्मी तो थोड़ा कम है आज, जैसे मुझे मौसम चाहिए था वही मौसम है। गलत बैंक पर आ गई हूँ, ये रूरल बैंक में मैं पहुँच गई थी, गलत जगह पे, और सेंट्रल दरअसल मैं एक गलत जगह पे आ गई थी। और गाइस अभी मैं जाके ले लेती हूँ, यहाँ नहीं था सेंट्रल बैंक, तो उस पार वाला नहीं, वसीन होटल पर अपना मिस्टेक हो गया हमसे। ओके ओके ओके, सॉरी, होते 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 हैं ऐसा, एंड चलते हैं। गर्मी, ओह नो, गलत जगह विजिट, तो दिमाग खराब। कुछ इस तरह दिखते हैं तेजू मार्केट, गैस तेजू मार्केट इस तरह से दिखते हैं, और भी बहुत बड़ा है वहाँ से लेके यहाँ तक। ये सब में कपड़ा सपड़ा जो भी दुकान से करनी है तरफ में हो जाता है, आप लोग को मिल जाएगा। सो
तो दोस्तों मैं अभी सेंट्रल बैंक पहुंच चुकी हूं। थोड़ा पहले मैं गलत जगह पे गया था, गलत एड्रेस में, तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूं। तो देख लेते हैं क्या होता है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। एंड गाइस अभी मैं चलती हूं सेंट्रल बैंक की ओर। एंड सेंट्रल बैंक कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये सेंट्रल बैंक, ये ओशन होटल तरफ में जाता है गाइस। और पूछते हैं अभी कि ये एटीएम बोर्ड यहाँ साथ में आते हैं। अंत तो दोस्तों मेरे दीदी का एड्रेस जो है, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस जो है, उसने जो है क्या ऊपर का दिया हुआ है, हवाई का दिया हुआ है, तो इसलिए उसका एटीएम यहाँ में नहीं आया है। तो गाइस मैं क्या करूँ, अभी समझ नहीं आ रहा है। तो दीदी को मैंने फ़ोन तो कर दिया कि यहाँ नहीं है बोल के, यहाँ नहीं आया है बोल के ना, वो लोग बोल रहे थे कि हवाई में होगा बोल के। तो गाइस देखते हैं, अभी हेलमेट लेने की ओर चलती हूँ। एंड ये दूसरा साइड वाला ओशन साइड, ओशन होटल साइड दुकान लाइन, यहाँ तरफ में चप्पल बाटा का शॉप भी है। यहाँ में बाटा सब चप्पल चप्पल मिलता है। और टीवीएस का यहाँ पे, टीवीएस डीलर यहाँ पे है, और साथ में गैराज भी है। तो दोस्तों मैंने हेलमेट भी ले लिया वो साइबर वाला भैया का वहाँ से। एंड लास्टली अभी मैं सोनाली स्टोर घुसूँगी। वहाँ पे सोनाली स्टोर से मैं उसके लिए एक फेस वॉश ले लूँगी, क्योंकि मेरा चेहरा तो पूरा खराब हो चुके हैं गाइस। तो देखते हैं यहाँ, ये सोनाली स्टोर। एंड अच्छा ठीक है भैया, हाँ अभी यूट्यूबर बन गया बोलते हैं। हाँ भैया हमको थोड़ा फेस वॉश दीजिए ना, मेरा चेहरा पूरा इस तरह से बिगड़ गया ना। मिल जाएगा तो हमको पूरा। वो भैया जो बोल रहे हैं कि उसका भी मेरा जैसे इन्फेक्शन टाइप का हुआ है ना, तो एक वो गार्नियर वाला को मेन वाला का लड़का लोग का वाला। हाँ तो दोस्तों मैंने इतना सारा सामान सेलेक्ट कर लिया भाई, अभी कितना होगा होगा ये, कितना बोलेगा भैया। सोनाली स्टोर पे हूँ अभी। एंड गाइस आप लोग भी तेजू आने से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कोई भी तरह का सामान मिल जाएगा, लाइक कपड़ा भी मिलता है जोकी का। मैंने सामान भी ले लिया एंड मेरा सामान ये है। एंड भैया यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके तो चलते हैं गाइस, अभी चलते हैं, फिर चलते हैं। एंड देखिए ये टावर क्लॉक गाइस, यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। एंड आप लोग आने से ये टावर क्लॉक का व्यू ये जो है आप इंजॉय कर सकते हैं, रात को बहुत सुंदर दिखता है ये जो। एंड यहाँ मेरे सामने ये जूस ऑर्गेनिक है ना क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जूस का वो स्टॉल लोग लगा के रखा हुआ है ये लोग सब लोग। एंड यहाँ में बुक स्टोर भी मिल जाएगा आपको। ये हम लोग का भैया। सो आफ्टर लॉन्ग गैप मैं अशु से मिल रही हूँ। आप कब आए गाँव से? थोड़ा देर पहले। क्या से आए? ठीक है गाइस, देखिए इतना दिन के बाद भैया तेजू आया है, तो भैया अभी कुछ तो करेगा होगा बहन के लिए। ठीक है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं तक आया था। यहीं तक ना। तो यहाँ पे बुक स्टोर है आप लोग यहाँ पे सुम, हम लोग का ये जो है ये क्या नाम था, सुमो काउंटर, ये लोग यहाँ पे ही होता है ये जगह पे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब अगर बुक का मामले में होने से यहाँ पे मिलता है ना। भैया ठीक है, पहचाना है भैया? पहचान में ओ भूल गया मतलब हमें ओ। ठीक है ना, हम आपका इसको भी एक्सप्लोर कर दिया अभी। ठीक है भैया, तब तो ये अला तय मंगे। विक्की भैया को मिलके मुझे अच्छा लगा। और आप आ सकते हैं वहाँ पर, हम भैया का घूमते वहीं पर रह जाएंगे। ये लगाने बोला है। तो गाइस मैंने सामान भी ले लिया एंड मैं अभी चलती हूँ अपने रूम। बहुत ही गर्मी है भाई,
और इस सामान को मैं डिक्की में डाल देती हूँ। तो भैया ये स्टॉल कब से लगाया यहाँ पे? हाँ, एक दो महीना हो गया ना। या मक्खी इतना भेद रहा है तो आपका यहाँ पे? मधुमक्खी। ओ ओ ओ, अच्छा है, अच्छा है, देखा है, अच्छा लगा देख के। लेकिन हाइजीन थोड़ा मेंटेन करना है ना, सब मक्खी बैठेगा तो बीमार हो जाएगा आदमी। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रूम एंड अभी चेहरा वेरा धो के थोड़ा देखती हूँ, डॉक्टर जो बोला है वो करके देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद को केयर ही नहीं करती ना। तो डॉक्टर ने बोला है कि चेहरा में क्या लगाते हो? अरे सर मैं तो डेटोल साबुन लगाती हूँ, ऐसे बोले। अरे तू भी ना, ऐसे कौन करता है, लड़की आदमी है थोड़ा केयर करना। ओहो, मतलब लड़की को ही केयर करना है, सभी केयर करना है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है सब चीज़ में। तो आज डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और मैंने अपना भाई को पैसा थोड़ा सा मांगा है, तो उस पैसा से मैंने कुछ क्रीम खरीदा है, फेस वॉश खरीदा है एंड हाँ खरीदा है क्रीम, ये सनस्क्रीन लगा बोला है। और थोड़ा सा ये कुछ आप ये क्या नाम था, नाम ही भूल जाता है वो। हाँ ये, अरे गाइस मैं भूल जाती हूँ ना, बहुत भूलती हूँ, क्या यूज़ करो बोला था, थोड़ा क्लीन से रखना है बोला है, तो उसके लिए हमको कुछ सीरम यूज़ करो बोला है। तो गाइस मैं सीरम जो है मेडिकल का वाला देख रही थी, तो मेडिकल का इतना दाम है देखने में इतना ही था। सो मेरे अमाउंट के हिसाब से, जितना मेरे पास अमाउंट है उसके हिसाब से मैंने सोनाली स्टोर से ले लिया, क्योंकि डॉक्टर का कहने का मुताबिक से तो मेडिकल वाला तो है इतना छोटा है उसका देखने में, उसका कंटेनर जो वाह प्राइस तो ओ माय गॉड। तो गाइस इसलिए मैंने नॉर्मल जो बाज़ार से मिलता है उसको हमने ले लिया, तो उसको हम ट्राई करके देखेगा। आप लोग को नहीं मालूम ना मेरा इस तरह से टर्न हो गया है पूरा, ये पूरा काला हो गया, ये देखिए ये ऐसा है, और यहाँ भी पूरा मूंछ जैसा है, अंडिया पूरा ख़राब हो गया, पता नहीं पेट का अंदर में जो गर्म है उसका वजह से हुआ है बोल रहा डॉक्टर जो, तो फिर और केयर नहीं करने से और भी ख़राब से हो जाएगा बोल के। एंड जो ना समझ होता है, मतलब ये सब चीज़ के बारे में नहीं जानते कुछ रीज़न ना, तो वो लोग जो है सोचते हैं कि गलत चीज़ का ऊपर में, बच्चा का माँ का ही ऐसा होता है, क्यों तुम्हारा पास है, ऐसे पूछने वाला बहुत मिला है हमको, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना, कि ऐसा होने से भी चुपचाप देख देना है ना आदमी को। अरे पर क्या बोलेगा, अनाप शनाप बोलने शुरू कर देते हैं ना लोग, तो इसलिए आज निपटा है क्या मैं देखती हूँ आज से ये डार्क स्पॉट का फ्री वे होती हूँ कि नहीं होती हूँ मैं देखती हूँ। आज से स्टार्ट है मेरे रूटीन जो कि मैं डेली यूज़ करूँगी उसे, अगर असर होने से मैं कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके मैं ख़रीदने की कोशिश करूँगी गाइस। एंड देखते हैं ये दागी फ्री होता है क्या मेरा फेस से। हम जब मैं कॉलेज में थी ना तो नहीं था, एंड जब हम थर्ड ईयर पहुँचे थे तब से मेरा ये दागी जो आ गया गाइस, क्या करेगा ना पता नहीं जो होता है, हर कोई का पास नहीं होता है, सिर्फ मेरा चेहरा ऐसे हुआ है। सो गाइस आज से कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, बीच में तो सनस्क्रीन लगाना भी सूट नहीं हुआ है, ऐसे हुआ था ना मेरा फेस बहुत दर्द दिया था गाइस, एंड बहुत दिन का बात बताइएगा, लगाने के बाद हफ्ता भर के बाद बताऊंगी। सो गाइस ये ब्लॉग जो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इतना में डी एंड कर देती हूँ ना। चैनल को देर सदा प्यार शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ 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 गाइस, आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब ही मुझे बहुत दूर ले जाएगी गाइस, प्लीज़ प्लीज़ हमको बहुत प्यार कर दीजिए, मेरे चैनल को बहुत देर सारा प्यार दे दीजिएगा गाइस, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे दिल से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।